ये सर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर ट्रेड करती नज़र आ रही है। अजय जी हमने सोयाबीन को 6200-6300 के एक सीमित दायरे में अब ट्रेड करते देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से साउथ अमेरिका में वेदर कंडीशन को लेकर थोड़ा असमंजस है, थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है, हालांकि अभी यही बताया जा रहा है कि थोड़ा प्रोडक्शन में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है साउथ अमेरिका के अंदर, और वहीं भारत में इस बार सोपा का आंकड़ा था कि पिछले साल के मुकाबले 14% जो प्रोडक्शन है वो इस बार ज़्यादा रह सकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन में आगे कुछ कीमतें अच्छी देखने को मिल पाएंगी? देखिए सोयाबीन में इंटरनेशनल मार्केट तो अभी भी तेज है, एकाएक अगर आप ये स्विंग की बात करें तो 1220 से हमने करीबन 1380 तक का एक स्विंग बनते हुए देखा है। डोमेस्टिक मार्केट से भी हमने देखा पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड स्लोली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित है उसके चलते हमने स्टॉक लिमिट और फ्यूचर पे बैन होते हुए देखा है, उसके से थोड़ा सा एक सेंटिमेंट खराब हुआ कि जनरली अगर समझो फ्यूचर्स बैन होते हैं तो जितने भी इंपोर्टर्स है उनकी एक्टिविटी में हम देखते हैं कि गिरावट आ जाती है, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि फ्यूचर में बैन होने की वजह से कुछ एक्टिविटी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, बट ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखते हुए मुझे अभी भी यकीन है कि मार्केट के अंदर तेजी का रुख ही कायम है। टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट पे अराइवल पीरियड भी है तो थोड़ा बहुत पुलबैक दिखा रहा है, बट 5850 के नीचे कोई भी एंगल से प्राइस जाते हुए दिखाई नहीं देती है। एक बार महीने बाद निकल जाता है उसके बाद धीरे धीरे 6800 से 7000 तक का लेवल प्राइजेस दिखाने के लिए तैयार रहेगा। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही रखनी चाहिए, हार्डली अगर किसी के पास माल है तो उन्हें बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जी। तो यानी कि सोयाबीन में अभी भी थोड़ा अराइवल प्रेशर की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे जाके सोयाबीन में अजय जी के मुताबिक 7000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।